Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a question which is asked by one of the favorite student. So the question is, how do machine travel a distance of 10 km to reach the earth? जबकि हम जानते हैं कि जो मिसांस होते हैं म्यू मिसान वो क्रिएट होते हैं बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स एट हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द हाइट सरफेस ऑफ द अर्थ. दे हैव द टिपिकल स्पीड 2.994 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, which is a 0.998 of the speed of c, that is 99% of c. Further, we all know that the mu meson has found an average lifetime 2 × 10⁻⁶ second, so after which it decay into an electron. So in this time they can travel a distance only which is equal to 2.99 × 10⁸, which is this speed of mesons into 2 × 10⁻⁶ second. So this is distance traveled by meson, and this is equal to nearly 600 meter or 0.6 km. So the question is कि जब मेसॉन की लाइफ टाइम इतनी है और उस लाइफ टाइम में वो केवल 0.6 किलोमीटर मूव कर सकता है, तो वो कैसे 10 किलोमीटर मूव करता है और सरफेस तक पहुंचने के लिए? तो द आंसर इज आंसर कैन बी गिवन बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिकॉज म्यू मेसॉन हैज़ अ टाइम लाइफ टाइम, सो वी कैन कॉल इट एज T₀ equal to 2 × 10⁻⁶ second. ये उसके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. सो फ्रॉम टाइम डायलेशन फार्मूला वी कैन कैलकुलेट टी एज T₀ upon 1 - v² / c² एंड विच इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ अपॉन अंडर रूट 1 - 0.998 square. And this is equal to 2 × 10⁻⁶, 0.063. And this is equal 3 × 17 × 10⁵ second. सो अर्थ के लिए मेसॉन्स के पास इतना टाइम है रिलेटिविटी के हिसाब से. जो नया टाइम मिलता है मेसॉन्स को ट्रेवल करने के लिए वो टाइम इतना है 3.17 × 10⁵ सेकेंड. तो अब हम इसके हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम. सो स्पीड इज 2.99 × 10⁸ इंटू 3.17 × 10⁵ सेकेंड. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ 8 भी लिख सकते हैं, 2.998. सो दिस इज नियरली इक्वल टू 9700 meters, विच इज़ नियरली इक्वल टू 10 किलोमीटर. This is 10 kilometer.
तो इस तरह से मेसॉन्स ये ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करता है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो केवल 0.6 किलोमीटर कर सकता है, लेकिन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, क्योंकि उसका टाइम डिले होने की वजह से, टाइम डायलेशन की वजह से उसकी टाइमिंग इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अराउंड ही टेंडिंग टू सी है, तो उस केस में टाइम हमेशा इंक्रीज़ कर जाता है, और उस इंक्रीज हुए टाइम से जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।